हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर एग्जाम टारगेट में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है यूपी में, उसके लिए फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं अप्लाई होने, और आप 20 दिसंबर तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अब की बार देखते हैं कि क्या क्या उल्लेख किया गया है। एक और सुन लीजिए बात ध्यान से आप। अब की बार यदि आपने कोई फॉर्म भरने में त्रुटि कर दी है, उसके लिए त्रुटि सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया गया। भर्ती के लिए विज्ञापन 5 दिसंबर को जारी होगा, और ये हो चुका है 5 दिसंबर को, पहले ही कल थी 5 दिसंबर, और 6 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज से। और परीक्षा है जो आपकी 6 जनवरी से होगी। जो 6 जनवरी की परीक्षा होगी, उसके लिए यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर जैसे टीचिंग साइकोलॉजी की वीडियो उपलब्ध है, यहाँ पर टीचिंग मेथड सभी वीडियो, टीचिंग मेथड सारे 15 से 20 टीचिंग मेथड सभी की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं आप। और साथ में जैसे आप सीटेट क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी बहुत ही लाभदायक होते हैं, 2011 से 18 तक सभी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है हमारे चैनल पर, वो भी देख सकते हैं आप, ताकि उनसे आप फायदा उठा सकें। उनसे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें परीक्षा में। और साथ में हिंदी इंग्लिश मैथ की रीजनिंग भी, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग की वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आगे देखते हैं, चलो 22 जनवरी को परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। 22 जनवरी तक आपको फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और पिछली भर्ती में हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए सरकार ने अब की बार कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 500 पद और जोड़ते हुए शासनादेश जारी कर दिया है, और 500 पद एक्स्ट्रा अब की बार। और टेट का परिणाम भी आ चुका होगा आपका, और बीएड वाले भी दे सकेंगे परीक्षा अब की बार, बीएड वाले भी परीक्षा दे सकेंगे, और गलत सवालों पर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। तो ये टीटी का भी विवाद है, ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें 12 सवाल ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज कराई है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। तो दोस्तों यही थी खबर, आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैंने टीचर एग्जाम है आपका, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स जैसे टीचिंग साइकोलॉजी की वीडियो वहाँ पर है, आपको देख सकते हैं अन अकेडमी पर। मेरे लिंक को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और साथ में वहाँ पर टीचिंग मेथड की वीडियो भी तैयार कर रखी है मैंने। और साथ में जैसे ये होता है हमारा पेडागोजी टॉपिक होते हैं, NCERT एक्ट 2009, इस तरह की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।